हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मिक्स स्ट्रैटेजी इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग मिक्स्ड स्ट्रैटेजी इक्विलिब्रियम का डिस्कस करेंगे, जो BECE 015 एलिमेंट्री मैथमेटिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स, जो इग्नू BA इकोनॉमिक्स का एक BVI क्वेश्चन है, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन, फाइंड द मिक्स स्ट्रैटेजी इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉलोइंग गेम। इस गेम में दो प्लेयर हैं, आप देख सकते हैं, प्लेयर वन एंड प्लेयर टू। प्लेयर वन का दो स्ट्रैटेजी है अप एंड डाउन, और प्लेयर टू का दो स्ट्रैटेजी है लेफ्ट एंड राइट। अब मिक्स्ड स्ट्रैटेजी हम निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा चीज करना पड़ेगा। सबसे पहले ये मान लेना पड़ेगा कि प्लेयर वन, ठीक है, प्लेयर वन जो खेलता है, अब या चूज करता है या खेलता है दोनों दो स्ट्रैटेजी अप एंड डाउन, ठीक है, विद प्रोबेबिलिटी पी और वन माइनस पी। ठीक है, आप ये कह सकते हो प्लेयर वन प्ले, ठीक है, स्ट्रैटेजी अप एंड डाउन विद इट्स प्रोबेबिलिटीज पी एंड वन माइनस पी। और सिमिलरली प्लेयर टू किस स्ट्रैटेजी से खेलता है, क्यू, ठीक है, क्यू एंड वन माइनस क्यू। ठीक है, प्लेयर टू प्ले, ठीक है, हिज स्ट्रैटेजी लेफ्ट एंड राइट विद द प्रोबेबिलिटी क्यू एंड वन माइनस क्यू। अब ये कर लिए तो काफी आसानी से अब हम कैलकुलेशन कर सकते हैं मिक्स स्ट्रैटेजी का। आपको लिखना पड़ेगा कि प्लेयर वन स्ट्रैटेजी अप एंड डाउन अपने रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी पी और वन माइनस पी, और उसी तरह प्लेयर टू अब खेलते प्ले करता है स्ट्रैटेजी लेफ्ट एंड राइट विद द प्रोबेबिलिटी क्यू वन माइनस क्यू। समझ में आ गया, पहला जो डिजिट है वो इंडिकेट किसको करेगा, पे ऑफ, जो प्लेयर वन का पे ऑफ को पहला नंबर से बॉक्स में, और दूसरा नंबर प्रत्येक बॉक्स में इंडिकेट करेगा पे ऑफ ऑफ प्लेयर टू। अब यहाँ आराम से आप निकाल सकते हो, हम चल रहे हैं प्लेयर वन से, फॉर प्लेयर वन, पहले प्लेयर वन का खेल करेंगे उसके बाद प्लेयर टू का। तो प्लेयर वन मैंने यहां लिख दिया, फोकस करना है प्लेयर वन, यानी अब हमारा क्या है कि प्लेयर वन का दो स्ट्रैटेजी है अप एंड डाउन। तो यहां हम लिखेंगे एक एक्सपेक्टेड, ठीक है, वैल्यू ऑफ स्ट्रैटेजी अप, अप का हम ले रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्ट्रैटेजी अप जो ये है। तो पहला नंबर आप देख लो दोनों में मिला लेना, वो किस, यहां मैक्स इक्विलिब्रियम हम लोगों ने देखा कि गिवन प्लेयर टू का स्ट्रैटेजी दिए होने, प्लेयर दो का स्ट्रैटेजी दिए होने पर प्लेयर वन चूज करता है अपना स्ट्रैटेजी। उसी तरह तो मैंने जब प्लेयर वन का मतलब एक्सपेक्टेड पे ऑफ ऑफ स्ट्रैटेजी अब हम कहेंगे प्लेयर वन का, तो ये क्या होगा, क्यू प्लस वन माइनस क्यू लिख दिए। दो स्ट्रैटेजी प्रोबेबिलिटीज की करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जो अप है ये तो दोनों का प्रोबेबिलिटी से तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहां देखो कि वन का क्यूब के पहला क्या नंबर है, वन, तो वन से मल्टीप्लाई कर दिए, और दूसरा क्या है, माइनस वन। ये समझना, एक्सपेक्टेड वैल्यू हम जब भी निकालते हैं क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी को गुणा करते हैं उस वेरिएबल से, मैंने एक बॉक्स में फिर प्लस करते हैं, फिर दूसरा वेरिएबल को फिर उसके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से गुणा करते हैं, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऐसे निकलता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, यहाँ माइनस वन से होगा तो माइनस, ये प्लस इंटू माइनस, माइनस वन, माइनस इंटू माइनस, प्लस क्यूब। अब यहाँ क्या हो जाएगा, टू क्यूब माइनस वन। अगर यहाँ किसी को कंफ्यूजन है, जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलेगा, तो फर्स्ट प्लेयर का जो पे ऑफ है उसको सेकेंड प्लेयर के जो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये नंबर को इससे करना पड़ेगा। जब आपका निकला, डाउन का निकालना होगा, तो पहला नंबर, दूसरा फिर प्रोबेबिलिटी, पहला दूसरा प्लेयर का, फिर पहला नंबर, फिर दूसरा प्लेयर का प्रोबेबिलिटी जो वन माइनस क्यू है, ऐसे करके निकलेगा। ठीक है, या आपको इस तरह इंडिकेट कर दो, ठीक है, पहला नंबर यहाँ चला जाएगा, इसी तरह इसका भी दूसरा का, ये हो गया ये। अभी हम आपका निकाले, जब डाउन का निकालेंगे तो सिमिलर फैशन में हमको ये करना पड़ेगा। तो डाउन का भी निकालते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्ट्रैटेजी डाउन,
पहले सेकंड प्लेयर का जो प्रोबेबिलिटी वो लिख देंगे, उसके बाद फर्स्ट प्लेयर का पे ऑफ है, यहाँ क्या है माइनस वन है तो माइनस वन से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ क्या निकल रहा है वन है, ठीक है राइट वन है तो वन से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, अभी हम गुणा करेंगे तो माइनस क्यूब प्लस वन माइनस क्यूब, ठीक है माइनस क्यूब माइनस क्यूब माइनस टू क्यूब प्लस वन। अब यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डाउन, ठीक है तो डाउन और अप का दोनों का हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल गया। अब यहाँ इक्वेटिंग करना है, इक्वेटिंग मतलब दोनों को जोड़ना है, प्लेयर वन का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अप स्ट्रेटेजी एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डाउन स्ट्रेटेजी को इक्वेट करना है, ठीक है इक्वेटिंग, इक्वेटिंग किसको करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अप स्ट्रेटेजी इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डाउन स्ट्रेटेजी। अब ये दोनों को इक्वेट करना है तो दोनों का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है यहाँ पर, तो टू क्यूब माइनस वन ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अप स्ट्रेटेजी और डाउन स्ट्रेटेजी का क्या है माइनस टू क्यूब प्लस वन, ये डाउन वाला निकाले। अब यहाँ क्या करना है आपको सॉल्व करना है फोर क्यूब के लिए, हम यहाँ क्यूब के लिए सॉल्व करेंगे तो सबको एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो टू क्यूब माइनस वन ये क्या हो जाएगा प्लस टू क्यूब और ये हो जाएगा माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ देखो ये टू क्यूब फोर क्यूब माइनस टू इक्वल टू जीरो, फोर क्यूब इक्वल टू प्लस टू उधर शिफ्ट होगा देयरफॉर क्यूब इक्वल टू टू बाय फोर, इसको सॉल्व करेंगे तो वन बाय टू आए तो वन माइनस क्यूब का वैल्यू आसानी से निकाला जा सकता है, वन माइनस क्यूब का वैल्यू क्या आया वन बाय टू, ठीक है तो वो हाफ में वन में घटाएंगे हाफ तो हाफ ही होगा, तो ठीक है तो हम लिख सकते हैं मिक्स्ड स्ट्रैटेजी फॉर किसका वैल्यू निकला क्यूब और क्यूब वन का, क्यूब इक्वल टू वन बाय टू और वन माइनस क्यूब वन का किसका माने थे इसका प्लेयर टू का, तो मिक्स स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर टू इक्वल टू क्यूब एंड वन माइनस क्यूब यही आया। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं वन बाय टू वन बाय टू, दोनों का वैल्यू निकल गया, ये मिक्स स्ट्रैटेजी ऑफ प्लेयर टू, क्यूब का वैल्यू निकलेगा तो प्लेयर टू ने एज्यूम किया हम लोग एज्यूम किए थे उसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है ये निकल गया। अब प्लेयर वन का हम काम करते हैं तो प्लेयर टू का प्रोबेबिलिटी निकलता है, उसी तरह अब हम प्लेयर टू पर काम करेंगे। अब प्लेयर टू पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है प्लेयर टू, तो इसका प्लेयर टू का तो दो स्ट्रैटेजी है, तो पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लेफ्ट स्ट्रैटेजी, जब हम लेफ्ट स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो वो पी और वन माइनस पी से वो प्ले करेगा, तो लेफ्ट स्ट्रैटेजी में दूसरा नंबर को ही हमको लेना है, ठीक है पहला नंबर को भूल जाओ दूसरा नंबर को लेना है क्योंकि फोर प्लेयर टू पर कर रहे हैं, ठीक है तो पहला पी प्लस वन माइनस पी, अब ये नंबर दूसरा नंबर क्या है माइनस वन से होगा ये पी मल्टीप्लाई और दूसरा किससे होगा प्लस वन से, यहाँ माइनस पी प्लस वन माइनस पी माइनस टू पी प्लस वन। अब एक्सपेक्टेड ये निकल गया, फिर इसी तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ राइट स्ट्रैटेजी राइट, ठीक है इसमें क्या होगा P प्लस वन माइनस पी, अब राइट स्ट्रैटेजी का दूसरा नंबर लेके चलना है, पहला नंबर को P को वन से गुना करना है और वन माइनस पी को माइनस वन से, तो वन हो गया अब ये माइनस वन। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये P हो जाएगा और ये माइनस से गुना होगा तो चेंज हो जाएगा इंटरचेंज हो जाएगा दोनों, तो माइनस वन प्लस पी, ठीक है अब ये हो जाएगा टू पी एक हाँ टू पी माइनस वन, ठीक है अब ये हमारा जैसे ही निकल गया तो
तो इसी तरह इक्वेटिंग करेंगे, ठीक है, ई लेफ्ट इक्वल टू ई डाउन, ई राइट मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ राइट स्ट्रैटेजी एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लेफ्ट स्ट्रैटेजी, दोनों का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, यहाँ पर राइट का है, यहाँ पर लेफ्ट का है, तो वो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर, माइनस टू पी प्लस वन इक्वल टू टू पी माइनस वन, यही है, सबको एक तरफ शिफ्ट करो, माइनस टू पी या पी को एक तरफ कर वो भी ठीक है, तो फिर इधर आ जाएगा तो माइनस टू पी, ये माइनस वन ऑलरेडी इधर से भेजेंगे इसको तो माइनस वन होगा, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस फोर पी इक्वल टू माइनस टू, ठीक है, देयर फोर पी इक्वल टू माइनस टू बाय माइनस फोर, माइनस माइनस कैंसिल, वन बाय टू, ठीक है, तो वन माइनस पी का वैल्यू आसानी से हम लोग निकाल लेंगे, तो वन माइनस हाफ, एक में हाफ घटाओगे तो वन बाय टू, अब दोनों का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, किसका किसका निकाल लिया, P का प्लेयर वन का स्ट्रैटेजी, आपने P किसका माना है स्ट्रैटेजी, P और वन माइनस P प्लेयर वन का, तो यहां भी बदल के लिखना पड़ेगा P कॉमा वन माइनस P, ठीक है, तो मिक्स स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर वन, P वन माइनस P इक्वल टू हाफ आया दोनों में, तो यही था मिक्स स्ट्रैटेजी इक्विलिब्रियम ऑफ दिस गेम, आई होप एवरीबॉडी गॉट द कांसेप्ट आई डिस्कस अंडर दिस वीडियो. Thanks for watching my video till end. Jai Hind.